क्या था? देखिए यहाँ पर दिया हुआ था, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसका बेस क्या है? फर्स्ट द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट, दैट मींस कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ठीक है, समझ आता है ना? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी मैंने एक्सप्लेन किया है। यस मैम। क्या होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बताइए? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहा है, जिसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक होता है, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है वो प्रोकैरियोटिक। तो फर्स्ट बेस क्या था कि ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर, दैट मींस कि ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बना है या बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। ठीक है, थर्ड प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेस पर, दैट मींस कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, मतलब वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है या अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है ना। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ विटकर्स क्लासिफिकेशन। म्यूट योर माइक। विटकर ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को फाइव किंगडम में डिवाइड किया। कौन कौन सा है, कौन कौन सा किंगडम दिख रहा है आपको यहाँ पे? मैम फाइव किंगडम। कौन कौन सा? किंगडम मोरेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांट। ठीक है, तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट में क्या क्या आएंगे, यूनिसेल्युलर जो कौन से किंगडम में होते हैं, मोनेरा किंगडम में। ठीक है, यूकैरियोट में यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों तरह के होते हैं, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। मल्टीसेल्युलर में भी टू टाइप्स होते हैं, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। ठीक है, अब विद सेल वॉल में क्या होता है, विद सेल वॉल जो सेल वॉल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस नहीं करते। फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लांट, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा फंगी। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो आएगा प्लांट किंगडम में, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते वो आएगा फंगी किंगडम में। ठीक है, फंगी किंगडम में। और ओके मैम। हाँ, विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल मतलब जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, तो सिर्फ एनिमल में जो होते हैं सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो सब किसमें आएंगे, एनिमल किंगडम में आएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम क्लियर है। यस मैम। ओके, चलिए तो अब हम एक एक करके सभी किंगडम के बारे में पढ़ते जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आपको बताने बोलेगा, एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, उसके कैरेक्टर्स लिखने हैं आपको, उसका ड्रॉ भी बनाना है, एग्जाम्पल बताना है और ड्रॉ भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले है किंगडम मोनेरा। ठीक, किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो किस तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, चलिए देखते हैं। तो किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और ये प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है मतलब प्रोकैरियोट होंगे। ठीक, और इनमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, देयर सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट्स एंड इज मेनली मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। इसका जो सेल वॉल होता है वो प्लांट के सेल वॉल से थोड़ा अलग होता है, और मेनली किससे मिलकर बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, और किंगडम मोनेरा का एग्जाम्पल क्या क्या है, किंगडम मोनेरा का एग्जाम्पल क्या क्या है,
लिखा हुआ है यहाँ पर किंगडम मलेरिया का एग्जाम्पल बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया. ठीक है. डू यू नो इन अ ग्राम ऑफ फर्टाइल सॉइल वी हैव अराउंड 100 करोड़ एंड इन अ मिलीलीटर ऑफ मिल्क वी हैव 3,000 करोड़ ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स. क्या आपको पता है कि जो फर्टाइल सॉइल होता है उसमें 100 करोड़ और दूध में 1 मिलीलीटर दूध में 3,000 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया बेसिलस एंथ्रेक्सिस का डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है. इसी तरह से आप लोगों को भी बनाना है जब इसका क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तब. ठीक. ये समझ आया किंगडम मोनेरा? यस मैम. कैसे होते किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं चलिए बताते जाइए. यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद भी आप लोग तो बोल नहीं पाते हैं मेरे बताने के बाद भी आप लोग तो ध्यान नहीं देते हैं. नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा. इसमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ये यूनिसेल्युलर होते हैं और उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ में. इस तरह से ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? यूकैरियोटिक. ठीक है. यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है. ठीक है. और इनमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं और इन ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर कैरिड आउट विद इन द सेल. ठीक है. जितना भी लाइफ प्रोसेस होता है वो सेल के अंदर होता है. ठीक. जैसे इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? अमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा, यूग्लिना, ये सब इसके एग्जाम्पल है. ठीक है. यहाँ पर ड्रॉ भी दिया हुआ है.
किंगडम फंगी, ठीक है, मोस्ट फंगी आर फिलामेंटस, जितने भी फंगी होते हैं, फंगस आपने देखा होगा अपने आसपास भी जो फंगस रहते हैं वो कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, उसमें आपको दे फॉर्म नेटवर्क्स ऑफ फिलामेंट्स, दे आर कॉल्ड माइसिलिन, उसमें बहुत सारे फिलामेंट्स का जाल आपको दिखाई देगा, ठीक है, जिसे माइसिलिन कहा जाता है। इस किंगडम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और इस ऑर्गेनिजम्स, इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, उनके सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, म्यूकर, यीस्ट, एगेरिकस जिसे हम मशरूम कहते हैं, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, एस्पेरिजिलस, पेनिसिलियम, ये सब क्या है, किंगडम फंगी के एग्जाम्पल हैं। जब आप आपने देखा होगा ब्रेड जब खराब हो जाता है तो उसमें आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, उसी तरह से जब बरसात के दिनों में जो शूज होते हैं उसमें भी आपको, और जब शूज में भी आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, पिकल्स अचार में भी आपको जब खराब हो जाता है तो उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, फंगी के स्ट्रक्चर होते हैं। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो मशरूम आर अ काइंड ऑफ फंगी टू, मशरूम भी क्या है, एक तरह का फंगी ही है, फंगी में भी सिम्बायोटिक, कैसा होता है फंगी, सिम्बायोटिक होता है, पैरासाइटिक होता है, सेप्टोफाइट होता है, ठीक है, और ये अपना न्यूट्रिशन दूसरे पौधों से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। सम फंगी आर हार्मफुल बाय सम आर यूजफुल, कुछ जो फंगी होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और कुछ जो फंगी होते हैं वो यूजफुल होते हैं, ठीक है, कुछ हमें नुकसान भी करते हैं, कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद भी होता है। कुछ जो फंगी होते हैं उनसे बीमारियां भी होती हैं, और वहीं कुछ जो वही कुछ जो फंगी होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, ठीक, जैसे यीस्ट हो गया, ठीक, विच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ब्रेड एंड बियर, जिसका यूज ब्रेड और बियर बनाने के लिए किया जाता है, और कुछ फंगी का यूज एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर अब दिया हुआ है, डू यू नो लाइकेन आर फॉर्म्ड बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी, एल्गी एंड फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है, लाइकेन, ठीक है, दे रिमेन सो क्लोजली एसोसिएटेड दैट दे अपीयर एज सिंगल ऑर्गेनिजम्स, फंगी यूज द फूड प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी, फंगी जो होते हैं वो एल्गी के द्वारा बनाए हुए फूड का यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो एल्गी जो फूड बनाते हैं उसका यूज फंगी करते हैं, वहीं एल्गी जो होता है वो मॉइस्चर का यूज करता है जो कि फंगी के द्वारा एब्सॉर्ब किया जाता है, मॉइस्चर और मिनरल्स जो फंगी के द्वारा एब्सॉर्ब किए जाते हैं उसको एल्गी जो है यूज करता है, ठीक है, और लिटमस भी जो है वो इसी तरह का, एक तरह का क्या है, लाइकेन ही है,
नेक्स्ट देखते हैं प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक फॉर्म में पाए जाते हैं. इनके सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसके हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. और ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं. जितने भी प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं. ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है वो सेल्युलोजिक सेल वॉल होता है, मतलब सेल वॉल सेल्युलोज से मिलकर बना हुआ होता है. उसके एग्जाम्पल हो सकता है स्पाइरोगाइरा, क्यूनेरिया, फर्न, साइकस, डेट पाम, नीम, वेट और भी बहुत सारे प्लांट जो है प्लांट किंगडम के अंदर ही आएंगे. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम एनिमल किंगडम, है ना. तो एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं. इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है. एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है. सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ इसमें पाए जाते हैं, प्लांट किंगडम में ही पाए जाते हैं. और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इंजेशन होता है, मेनली इंजेशन होता है, मतलब मुंह से ही खाना खा के कोई भी जो एनिमल्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता है. ठीक है, दे हैव अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर इनटेक ऑफ फूड, मतलब खाना को अंदर लेने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है. एज फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाईज हैव जूस सकिंग ट्यूब्स, मतलब जैसे बटरफ्लाईज होते हैं वो फ्लावर से जूस को सक करते हैं, खींचते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ऑर्गन क्या होता है? सकिंग ट्यूब होता है. ठीक है, ह्यूमंस में माउथ होता है, बर्ड्स में बिक्स होते हैं, चोंच होते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स है स्पेशलिस्ट ऑर्गन फॉर मूवमेंट, बहुत सारे एनिमल्स में मूवमेंट के लिए चलने के लिए स्पेशल ऑर्गन होता है, मोशन के लिए स्पेशल ऑर्गन होता है. जैसे लोकोमोशन, मूवमेंट इन सच अ वे दैट लोकेशन चेंज, मतलब लोकोमोशन किस कहेंगे? मतलब एक तरह का मूवमेंट जिसमें लोकेशन चेंज होता हो. ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं. तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं जितने भी एनिमल्स, जैसे लॉयन, मैना, फिश, हाइड्रा, टेपवॉर्म, अर्थवॉर्म, आप जो भी एनिमल्स के नाम लिखेंगे वो सब एनिमल किंगडम्स में ही आएंगे. क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम. ठीक है, तो चैप्टर वन में मेन आप लोगों का जो था यही है किंगडम क्लासिफिकेशन, यही आप लोगों को याद रखना है. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी मैंने बताया था. क्या होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, याद है किसी को? ठीक है, कल की क्लास में मैं आप लोगों को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पूछूंगी और चैप्टर वन में जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर मैं आप लोगों को पूछूंगी. ओके, तैयार करके रखेंगे सब लोग. ठीक है, तो अभी आप लोगों को व्हाट्सएप में मैं एक्सपेरिमेंट के वीडियो सेंड करी, जो आप लोगों का सेकंड एक्सपेरिमेंट है चिक सेल वाला. चिक सेल की जगह पे मैंने ऑनियन सेल का एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाया है, तो मैं उसे आप लोगों को सेंड कर रही हूँ. आप चिक सेल देखें या फिर ऑनियन सेल देखें, वो आप लोगों को एक जैसे ही दिखाई देगा. ठीक है, मैंने इसीलिए यहाँ पर ऑनियन का जो पतला लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसको लिया है और सेल को वहां पर दिखाया है. ठीक, तो मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे. Yes, बायो का सेकेंड एक्सपेरिमेंट. ओके, और सभी का एक्सपेरिमेंट हो गया, सबने लिख लिया एक्सपेरिमेंट, नोट कर लिया? जो yes, जो एक्सपेरिमेंट मैंने सेंड किए हैं वो सब कर लिए हो? नो मैम. और एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने तीन कॉपी बनाने के लिए कहा था आप लोगों को, 100-100 पेजेस की, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के लिए. तो जब बायो का एक्सपेरिमेंट मैं सेंड करती हूँ तो उसे बायो की प्रैक्टिकल कॉपी में ही लिखा करें, जब केमिस्ट्री का सेंड किया जाता है तो केमिस्ट्री में ही लिखेंगे और जब फिजिक्स का सेंड करूंगी तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल कॉपी में ही लिखेंगे. ठीक है, मिक्सअप नहीं करेंगे आप लोग. ओके, तो बायोलॉजी का 4 प्रैक्टिकल मैंने सेंड कर दिया, बायो का प्रैक्टिकल आप लोगों का लिखने का जो है हो गया है. मैं अभी आप लोगों को वीडियो सेंड करी, एक वीडियो मैंने सेंड कर दिया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का वीडियो सेंड करी. ठीक है,